गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मार्केट सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के लिए MSP तय कर दिए हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों की नई दरें जारी कर दी गई हैं, जिसको लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को मोदी जी ने सोच से भी ज्यादा दिया है। उन्होंने कहा कि तिलहन और दलहन की फसल पर केंद्र सरकार ने ज्यादा ध्यान दिया है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा किसान हित नीति है, जो 10 फसल खरीदती है वहीं पड़ोस के पंजाब मात्र 2 फसल की खरीद करता है। हमारे प्रधानमंत्री किसान हितैषी नरेंद्र सिंह मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं और उन्होंने जो एक नीति बनाई थी कि फसलों के भाव फसल बोने से पहले डिक्लेयर करेंगे और उसका परिणाम जो है किसानों के हित में गया है। वरना पहले की शासन में होता क्या था, जब किसान की फसल आ जाती थी तब भाव डिक्लेयर करते थे, उस वक़्त किसान कोई फैसला नहीं ले सकता था। आज सरसों का भाव 4650 से 5050 रुपये किया है, गेहूँ का भाव बढ़ाया है, मसूर का भाव बढ़ाया है, FRP गन्ने की बढ़ाई है, चने का भाव बढ़ाया है और सरसों का भाव जो हमारे हरियाणा में बहुत सारे इलाके में पैदा होती है उसका तो भाव लगभग पिछले 6-7 साल में दुगना हो गया है। किसानों को लेकर JP दलाल ने कहा कि एक तरफ सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों ने हरियाणा में आंदोलन कर इसे रणभूमि बना रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, B News।